सपनम सी मन में नरमी है, पलकों पे बिठा लूं मैं मेरे दिल की तमन्ना है, पलकों पे बिठा लूं मैं मेरे दिल की तमन्ना है, तुम्हें अपना बना लूं मैं मेरे दिल की तमन्ना है, धड़कन में बसा लूं मैं मेरे दिल की तमन्ना है, ला 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 ला। हाँ में क्या बात? कुछ नहीं में। पीछे क्या है? इसे मैं जानती हूँ, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये एक हवा टाइप की लड़की है। हाँ हवा, और इसके पीछे लड़के लगे हुए, पूरे गली के लड़कों को परेशान कर रखा है। चलो मैं फिर छोड़ो इसकी बात, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। मम्मी, मैं कह रहा था कि अगर हसीना से मेरी शादी हो जाए तो। हसीना? जी। ऐसा कैसे हो जाएगा ये बताओ। क्यों मम्मी? वो लड़की सही नहीं है, उसकी चाल चलन सही नहीं है लड़की की। नहीं मम्मी, तुम्हें उसके खिलाफ किसी ने जरूर भड़का दिया। तुम्हें नहीं मालूम, मुझे मालूम है। नहीं वो बहुत अच्छी लड़की, मुझे पसंद है। उसके पीछे सारे गली के लड़के लगे फिरते हैं। नहीं मम्मी, वो मुझे पसंद है, वो तुम्हारी खूब सेवा करेगी, मैं भी करूँगा। मेरी उससे शादी करा दो। तुम बड़े हो गए हो मगर तुम्हारा बचपन अभी भी नहीं गया। तो मम्मी तुम मेरी शादी जरूर करा दो, मेरी प्यारी मम्मी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी प्यारी मम्मी। अच्छा तो ये बताओ तुम्हें परेशानी क्या है? डॉक्टर साहब, कई दिन से मेरे पेट में बड़ा दर्द है। अच्छा, तुम्हारे पेट में दर्द है? ला दिखाओ, तुम्हारे पेट में दर्द है। तुम्हें क्या हुआ? निकाल दो, क्या बात है? आपके दांत निकालने की फीस तो कितनी? अरे एक दांत निकालने मेरे पास 50 रुपए है। अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। चिल्ले नहीं है, कोई बात नहीं। जो अच्छा वाला दांत वो क्यों निकाल दिया डॉक्टर साहब? अरे आप ही तो कह रहे हैं, मुझसे 50 रुपया है,
मेरा सर पर्पल हो गया। डॉक्टर साहब हसीना ये बोली अम्मी के बस ये तो पुराने जमाने की बात है अम्मी, तो हमने खुद नहीं कुछ करना। तेरा नाक जा तेरा, तूने नाक कटवा दी बिरादर में और तूने हमें बोलने लायक कहीं का ना छोड़ा। लोग क्या कहेंगे मुझसे, मैं क्या क्या जवाब दूंगी लोगों को? ऐसा क्यों किया तूने? तूने हमारी नाक कटवा दी, कहीं का ना छोड़ा हमें। मैं क्या तेरी शादी नहीं करती? और तुझे तो मैं देख लूंगी अच्छी तरह से। अम्मी सही नहीं है। क्या बात है, कोई मुझे दवाई भी नहीं ला के दे सकता। तू तो ऐसा हो गया जब से बहू आई है कि तुझे जरा भी हमारा ख्याल नहीं है कि अम्मी की तबीयत कितनी खराब है, क्या है क्या नहीं है। बस हर बार बहू के पल्ले से बंधा रहता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो यही देख रही हूँ। सुनिए तो, हसीना बुला रही है। जवाब अजी सुनिए जी, सुनिए जी, अभी वो जरा कुछ कह रही है, मैं सुन लूँ उसकी बात। आजकल की बहुओं का तो बात करके देखती हूँ, कहीं आप बुरा ना मान जाए।
क्या क्या बात है? वो दरअसल बात ही थी कि उनके सारे कपड़े मेरे पड़े हैं, एक जोड़ी भी कपड़े धुले हुए नहीं है। तो मगर मेरे हाथ की सतह से बहुत तेज दर्द हो रहा है, अगर आप उनके एक जोड़ी कपड़े धो देती तो। भगवान ने क्या बात है? ओ मेरी प्यारी अम्मी, अगर आप मेरे भी दो जोड़ी कपड़े धो देती तो। चल मैं कपड़े धोती हूँ, नवाब आ रहा होगा तो उसके लिए खाना बना और मैं कपड़े धोती हूँ। जी शुक्रिया मैम। हसीना आज तो बहुत तेज भूख लग रही है, जरा खाना लगाओ। मुझे पता था तुम आके यही कहोगी, क्योंकि आज भी तुम बिना खाए पिए ही चले गए थे। मगर मैं क्या करूं बम्बक, सुबह से बहुत हाथ में दर्द हो रहा है। हाथ में दर्द हो रहा? क्या हुआ? इसीलिए मैं खाना बना ही नहीं पाई। क्यों ना आज होटल से ही खाना मंगा लिया जाए? जैसे तुम्हारी मर्जी, होटल से ले आते। सपना बना के रखना आँखों में।
हजार मौसम ना तुम जफा करोगे सीने से अपने हमको हर दम लगा के रखना मेरे यार साथ जन्मों अपना बना के रखना आँखों में अपनी हमको सपना बना के रखना आँखों में अपनी हमको सपना बना के रखना मेरे यार साथ जन्मों मेरे यार साथ जन्मों अपना बना के रखना आँखों में अपनी हमको अरे मियां ग्यासुद्दीन आपकी आंखों में तो पीलिया हो रहा भाई पीलिया पीलिया
हाजी सुनील। हाजी क्या आया? हाजी कहिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात मानेंगे प्लीज। बुरा और आपकी बात का? आप हुक्म तो करिए। वो क्या है ना कि सुबह से मेरे बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे भी सारा छोड़ने नहीं दिया। अगर आप एक से चाय बनाना तो क्यों? बस इतनी सी बात? आप आराम करो, मैं चाय बना के ले जाता हूँ। हाँ मैं। चाय किसके लिए लिया आप लाके? मम्मी दरअसल हसीना के यहाँ सर में तेज दर्द हो रहा है तो मैंने सोचा मैं ही आके बना के दे दूँ। कमाल है आज की बहुओं से। तुम इसमें कमाल वाली की आवाज़ है, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है उसके लिए। नहीं आप फर्ज बनता है, मैं मानती हूँ। चाय फिर उसे चरपाई पे चाय देगा ये फर्ज बनता है। और लिख लिया आज मेरी बात को, बहुत ज़्यादा पछताएगा। एक दिन मुझे याद कराएगा तो ये तुझे बहुत बड़ा नुकसान देगा। चाय हाजिर है। शुक्रिया। अब ये तो बताइए चाय पसंद आएगी या नहीं? चाय आप बनाए अच्छी ना हो, बहुत अच्छी बनी है। हसीना एक बात बताओ, तुम तो पढ़ी लिखी समझदार औरत हो तो फिर तुम अम्मी के मुंह क्यों लगती हो? और तुम्हारी अम्मी जैसे कुछ कहती नहीं। मुझे इस घर में एक मिनट नहीं रहना। देखो इतना गुस्सा मत किया करो हसीना, इससे हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। देखो मुझे तुम्हारी इन सब मीठी बातों से कोई मतलब नहीं है। या तुम इस कान की सुनो या उस कान की सुनो, मुझे तुम्हारे इस घर में नहीं रहना। बस मुझे अपने मायके छोड़ के आओ। ऐसे हमसे मेरी जान जिंदगी, रूठो न ऐसे हमसे मेरी जान जिंदगी। मेरी आरज़ू तुम ही हो, मेरी आरज़ू तुम ही हो, तुम ही मेरी आशिकी।
तेरा ऐसे हमसे मेरी जान जिंदगी। इबादत मेरी सुन लो अजान जाना तुम ही मेरी बंदगी। सुन लो अजान जाना तुम ही मेरी बंदगी। मेरी आरज़ू तुम ही हो, मेरी आरज़ू तुम ही हो, मेरी तुम ही आशिकी। ऐसे हमसे मेरी जान जिंदगी। तमन्ना मेरी तुम ही मेरी हर खुशी हो, तुम ही तमन्ना मेरी तुम ही मेरी हर खुशी। मेरी आरज़ू तुम ही हो, मेरी आरज़ू तुम ही हो, मेरी तुम ही आशिके। रूठो ना ऐसे हमसे मेरी जान जिंदगी। सताओ कर लूंगा खुदकुशी, मेरी जान यूं ना सताओ कर लूंगा खुदकुशी। मेरी आरज़ू तुम ही हो, मेरी आरज़ू तुम ही हो, तुम ही मेरी आशिकी। रूठो ना ऐसे हमसे मेरी जान जिंदगी। ऐसे हमसे मेरी जान जिंदगी। मेरी आरज़ू तुम ही हो, मेरी आरज़ू तुम ही हो, मेरी तुम ही आशिकी। उठो ना ऐसे हमसे मेरी जान जिंदगी। उठो ना ऐसे हमसे मेरी जान जिंदगी। एक बात बताओ, अम्मी और तुम मुझे किस गुनाह की सजा दे रही हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, आगे से बर्तन तुम मांजोगे, कपड़े तुम धोगे, खाना तुम बनाओगे, और यहाँ तक कि बच्चों को भी तुम ही संभालोगे। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अब तो खुश हो जाओ, हंस के दिखाओ। ठीक है। नवाब
मैंने फिर लाख समझाया कि तू ऐसी फसल वाली लड़की से शादी मत कर, मगर तूने मेरी एक नहीं मानी। अब पछता हो गई ना, हो गई तेरी जिंदगी खराब, और साथ में तूने मेरी भी कर दी। अरे मम्मी, तकदीर को लेकर को कौन मिटाता है, मैं क्या करता हूँ? समझाने तो समझ में तो आया इंसान के, तेरी समझ में तो एक नहीं आई। ये माँ बेटे में बर में क्या बातचीत हो रही है? कुछ नहीं ऐसी ना, अम्मी तो तुम्हारी हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तब से कहा था मेरे लिए पानी गर्म करने रखो, क्या तुमने रखा? हाँ पानी गर्म है, तुम नहाओ मैं लाता हूँ पानी। पानी भी आप खुद ही गर्म करने जा रहा है, जा तू जोरों का गुलाम हो रहा है, और पछताएगा तू एक दिन, इससे ज्यादा पछताएगा। सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा, ये नहीं करेगी कुछ भी, तुझे बिठा के खिलाएगा। अजी सुनते हो या नहीं? अजी क्या हुआ, अब क्या हुक्म है मेरे लिए? जरा यहाँ आइए, बताइए अब क्या हुआ? जाने किन खाले में खोए रहते हैं आप, जब से आपको घर के काम काजों की जिम्मेदारी सौंपी है कुछ ना कुछ उल्टा ही करते रहते हैं आप। अब क्या हुआ? देखते नहीं मुन्ने ने कब से लैटरिन कर रखी है, जाओ उसको धुला के लाइए। और लिख ले आज मेरी बात को, बहुत ज्यादा पछताएगा। कपड़े धो रही हूँ, तू तो झाड़ू भी लगाएगा। अजी सुनते हो, कहाँ हो? हाँ जी। जरा मुन्ने को दूध पिला दो, भूखा होगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी पिलाता हूँ जी।
जैसी बहू तू लाया है करके याद रख मेरी बात, बर्तन भी धोएगा झाड़ू भी लगाएगा। पछताएगा तू एक दिन, इससे ज्यादा पछताएगा। सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा, ये नहीं करेगी कुछ भी, इसे बिठा के खिलाएगा। एक दिन तुझे बहुत पछताना आएगा, और लिख लिया आज मेरी बात को। एक दिन मुझे याद करेगा तू, ये तुझे बहुत बड़ा नुकसान देगा। नवाब क्या सोच रहा है? उठा ले शीशी और पी ले जहर, कर दे अपनी जिंदगी को खत्म, कर दे अपनी जिंदगी को खत्म, क्योंकि ये जीना जीना नहीं तेरा। अरे तुझसे अच्छा तो नौकर जी रहे हैं, देख तेरी बीवी ने तुझे क्या बना के रख दिया। कर ले खुद को खत्म, हो जा आजाद, हो जा आजाद, हो जा आजाद। रुको, ये क्या है? छोड़ो, छोड़ो, क्या है ये? छोड़ो। क्या है ये? जहर? तुम जहर पी रहे हो? हाँ मैं जहर पीना चाहता हूँ। मेरा क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? जो भी हो, मैं अब नहीं जीना चाहता। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। तुम मैं किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? मैं मरना चाहता हूँ। क्यों? तुमने मुझे किस बात की सजा दी? मैंने तुम्हें दिलो जान से चाहा, तुमने मुझे नौकर बना के रखा, मुझे बिल्कुल नहीं समझा। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। छोड़ो, मुझे माफ कर दो, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम झूठी मक्कार फरेबी हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे साथ। मेरी बात, मैं मरना चाहता हूँ। छोड़ो, नहीं छोड़ो, मैं मरना चाहता हूँ। यकीन करो। नहीं, मुझे यकीन नहीं तुम्हारी बातों पर। मैंने तुम्हारा हर कहा माना, लेकिन तुम बाज नहीं आई। मैं तुमसे अपनी मेरी सभी हरकतों के लिए माफी मांगती हूं। मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया तुमने। मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगती हूं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम बदल गई। लो तुम्हारे सर की कसम, जिस दिन मैंने तुम परेशान किया वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। मेरी कसम? हाँ, सच कह रही? सच। कुछ नहीं सताऊंगी, जिस दिन तुम्हें सताऊंगी उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने तुम्हें माफ किया। बीते कल को छोड़कर आने वाले कल के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। देखते ही देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया। हाँ देखते ही देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया। मैं गुमसुम सोचता रहा, मैं गुमसुम सोचता रहा, और दिल सीने से फरार हो गया, प्यार हो गया। देखते ही देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया।
फूलों जैसा तेरा मुखड़ा है, तू कोई चांद का टुकड़ा है। हाल बुरा है इश्क में तेरे, जब से देखा तेरा जलवा है। मैं तो तुझको देखता रहा, मैं तो तुझको देखता रहा, बस मैं तेरा बेकरार हो गया, प्यार हो गया, देखते ही देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया। तू ना मिलेगी मर जाऊंगा, मैं तो सूली पे चढ़ जाऊंगा। दिल ना देगी जब तक अपना, तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। तेरा आशिक तेरा दीवाना, तेरा आशिक तेरा दीवाना, आज मैं तो सनम, पहली बार हो गया प्यार हो गया, देखते ही देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया। मैं गुमसुम सोचता रहा, मैं गुमसुम सोचता रहा, और दिल सीने से फरार हो गया, प्यार हो गया, पहली बार हो गया।